सूडो फोर्स को समझने का यह हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब हम सूडो फोर्स के एप्लीकेशन पर चलते हैं। कैसे देखिएगा, हमारे पास सूडो फोर्स के अगर मैं एप्लीकेशन पे चलूं तो वो कैसे आती है बच्चे, फोकस करने। नंबर वन, मेरे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चे। अगर आपके पास एच सी वर्मा है बेटा तो एक बात ध्यान रखना, एच सी वर्मा की लास्ट सॉल्व प्रॉब्लम, लास्ट वन, लास्ट सॉल्व प्रॉब्लम बेटा सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है बच्चे। यानी कि उस प्रॉब्लम को करते हुए देखने में आसान लगती है लेकिन जब करने लगते हैं तो पता लगता है, और यार ये तो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम फंस गई है। ये बच्चा हमारे पास एंगल आ गया थीटा के बराबर, इसका खुद का मास है बच्चे कैपिटल एम के जी, और इस पे छोटा सा एक मास रखा हुआ बच्चे हमारे पास स्मॉल एम के जी। हम इस बड़े ब्लॉक को आगे की तरफ को क्या करते हैं बच्चे, एक्सेलरेट करते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं। जैसे बच्चे हम इसको आगे की तरफ को एक्सेलरेट करते हैं बच्चे, तो अब हमको यहाँ पर क्या बताना है बच्चे कि आपके पास इस मास के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस मास पर फोर्सेस बनानी पड़ेगी। यहाँ पर इसको इंक्लाइंड प्लेन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, इंक्लाइंड प्लेन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से इस पर कौन सी फोर्स लग रही है बच्चे, एम जी। और बच्चे एम जी के कितने कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, शाबाश बोलो बच्चे, एक मेरे पास एम जी साइन ऑफ थीटा, अच्छा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो, फिर बच्चा हमारे पास ये बॉडी आगे एक्सेलरेट कर रही है, बताओ सूडो फोर्स कहाँ पे लग जाएगी, बिल्कुल जहां पर एक्सेलरेशन होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड पे है तो सूडो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, मास और बच्चे हमारे पास इसका एक्सेलरेशन, ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। इसके बच्चे हमारे पास कितने कॉम्पोनेंट्स बन जाएंगे, शाबाश बोलो बच्चे, दो। अगर हम देखें ये एंगल थीटा बच्चे तो ये भी एंगल थीटा, तो बच्चा हमारे पास ये कितना आ जाएगा, एम ए कॉस ऑफ थीटा, और ऊपर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए साइन थीटा। एक्चुअल के अंदर ये क्वेश्चन ये है बच्चे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्राइंगुलर वेज, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं बच्चे हम, शाबाश बोलो, ट्राइंगुलर वेज। आपके पास यहाँ पर ट्राइंगुलर वेज की बच्चे आपके पास क्या वो एक्सेलरेशन है बच्चे, सो दैट ताकि बच्चे हमारे पास स्मॉल मास एम, स्मॉल मास बच्चे जो हमारे पास एम है, लीव्स दी वेज, यानी कि ये वेज को बच्चे आपके पास क्या कर जाएगी, लीव कर जाएगी। वेज को लीव करने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम इस बॉडी के इस वाली एक्सेस नॉर्मल रिएक्शन एम एस साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा को देखते हैं बच्चे। आपके पास फॉर दी एक्सेस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइन प्लेन, शाबाश बच्चे बताओ यहाँ पर आप कैसे करोगे। मेरे पास एन आ रहा है प्लस ऑफ एम ए साइन थीटा आ रहा है एंड दिस शुड बी इक्वल टू एम जी, क्या आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ये बच्चे लीव करने की बात कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास एम से एम कैंसिल हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो, बच्चे आपके पास इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, जी कॉट ऑफ थीटा, आपके एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, जी कॉट ऑफ थीटा। ये चीज इसमें से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर सर, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो, अब इसी क्वेश्चन को दूसरा एग्जामिनर आता है और वो चेंज कर दो, कैसे चेंज करता है ध्यान से देखना बच्चे। ये बच्चा हमारे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास चेंज कर देता है, ये मेरे पास एक ट्राइंगुलर वेज है और इस ट्राइंगुलर वेज के अंदर हम देखते हैं बच्चे कि ये एंगल आपके पास थीटा के बराबर है, ये मास मेरे पास एम के जी का बच्चे, एम के जी का, और अब बच्चे इसको हम कहां की तरफ को एक्सेलरेट कर रहे हैं, वेज को अब उल्टी तरफ, पहले हम कहां एक्सेलरेट किया था, लेफ्ट टू राइट, अब हम बच्चे राइट टू लेफ्ट, ओके फोर्सेस बना देते हैं। याद रखना बेटा मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है जिससे बच्चे आपका दिमाग चलने लगता है, जिससे आपको फोकस बढ़ता है, ये फोकस बच्चे आप देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज जो मैंने देखी है,
बच्चा बोलता है कि सर मुझे सक्सेस चाहिए, तो मैंने बोला कि पहले आप अपने आप को तैयार करो, पढ़ाई सभी बंदे करते, किताबें सभी के पास है, और आपसे महंगी किताबें भी किसी के पास होंगी, लेकिन एक बच्चा प्रदीप पढ़कर भी बच्चे कंपटीशन निकाल देता है और एक बच्चा एक्सी वर्मा पढ़ के भी नहीं निकाल पाता। आंसर अप्रोच का, आंसर बच्चे अप्रोच का है कि आप लाइफ को कैसे देखते हो, आप बच्चे आपके मोरल वैल्यू कैसे, आप एक क्वेश्चन में अटकते हो तो कैसे, आपका फोकस कितना, डिटर्मिनेशन कितनी है, प्रैक्टिस कितनी है बच्चे। अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो ये हो ही नहीं सकता बच्चे कि हमारी सिलेक्शन हो। अब आप इस बात को समझिए, द थिंग जो बच्चे आप यहाँ पर आप जो बच्चों के माइंडसेट के अंदर आ जाती है वो ये बच्चे हमारे पास आ जाती हैं कि हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे सफिशियंट है। नहीं बच्चे, 10 क्वेश्चन सफिशियंट नहीं होते, बहुत क्वेश्चन करने पड़ते। अगर बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं तो बच्चे ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन एन आ जाएगा और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा एम। मेरे क्वेश्चन करवाने से आपके पास बच्चे आपके नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप घर पे जाकर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब आप घर पे जाकर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि क्या किया गया। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में बच्चों को इस तरीके से लगने लग जाता है कि यार टीचर शायद हमसे कोई चीज छुपा रहा है तो मेरे नंबर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता यार, टीचर आपसे क्या छुपाएगा जिससे आपके नंबर नहीं आ रहे, टीचर तो आपको सब कुछ बताता है। अब टीचर आपको लेकिन अब एक आइडिया दे सकता है, मैंने आपको बताया कि जेई मेन तक का आइडिया आपको आ सकता है। आप बच्चों ने पिछले साल का जेई मेन्स का पेपर मैंने आपको दिया तो सही, आप बच्चे आपने देखा था ना, हाँ या ना बच्चे अभिषेक, देखा था जो मैंने जेई मेन्स के पेपर दिए थे आपको? यस सर। अब बताओ बच्चे जो प्लस वन का पोर्शन था वो कितना आप कर पा रहे, आप ठीक ठाक कर पा रहे थे क्योंकि बच्चे कॉन्फिडेंस था आपको, और लेकिन वो मेरी मेरे से ज्यादा आपकी मेहनत है। याद रखना हमेशा 80-20 की रेशियो रहती है, टीचर आपको 20% क्वेश्चन देख अगर देता है और आप 80% सॉल्व करते हो तो बच्चे मेहनत आगे चलती है। और आप डाउट पूछते हो कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ, ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ, और यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा एमजी कॉस ऑफ थीटा, ये बच्चे एमजी कॉस ऑफ थीटा। अब बताओ इस पे सूडो फोर्स कहां की तरफ को लग जाएगी, शाबाश बोलो कहां की तरफ को लग जाएगी, सूडो की तरफ, यहां पर एम ई, यहां पर। अब बताओ इसके कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे बच्चे, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, ये एंगल थीटा तो पैरेलल लाइन की वजह से ये थीटा। अब बच्चे ये क्वेश्चन पता है क्या, वो क्वेश्चन था कि ये इसको लीव करे, अब क्वेश्चन है बच्चे व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ट्राइंगुलर वेज, ट्राइंगुलर वेज, ट्राइंगुलर वेज की बच्चे हमारे पास क्या आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन है, सो दैट ताकि बच्चे हमारे पास द स्मॉल मास एम, जो स्मॉल मास है बच्चे हमारे पास एम, जो स्मॉल मास है एम केजी का बच्चे इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, ये बच्चे आपके पास रेस्ट पे रह जाए। कैसे करोगे, एक लाइन का सोल्यूशन है पता है इसका बच्चे, एक लाइन का सोल्यूशन है, सिर्फ डायग्राम बनाना मुश्किल था। बताओ क्या लिखोगे बच्चे, शाबाश बोलो क्या लिखोगे बच्चे आपके पास, ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास एम ए कॉस ऑफ थीटा, ये एम से बच्चे एम कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश बोलो, जी टेंजेंट ऑफ थीटा। आई बात समझ में कुछ जी, डाउट? हाँ बोल 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 बच्चे, क्लियर है बच्चे? तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, ये अगेन हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन के दो परफेक्ट एग्जांपल है, ये बच्चे हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या चीज हो रही है, आपके पास सूडो फोर्स लग रही है। चलो अब चलते हैं बच्चे, हाँ बोल बोल बेटा बोल। अगर इधर में से भी अगर जो स्मॉल मास एम है उसने उतरना था वेज से तो क्या हो जाता, अगर उसे उतरना होता तो एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन एम ए कॉस थीटा, बस वही हो जाता ना, आया ना। अगर इसने नीचे उतरना है, आपने बच्चे कभी गाड़ी पे ट्रेवल किया हुआ जब थोड़ी सी बारिश होती है और आप गाड़ी की स्पीड चढ़ाते बढ़ाते जाते हो तो आपको लगता है जो पानी विंडशील्ड जो होती है उसमें पानी की बूंद नीचे गिरने के बजाय ऊपर चढ़ने स्टार्ट हो जाती है, कभी ऑब्जर्व किया आपने ये चीज? यस सर। ठीक है, yes, इसका मतलब ये ऊपर कैसे चलने लग जाती है क्योंकि सूडो फोर्स का कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा उसको ऊपर खींचता है, रियलिटी है यार ये।
तो मतलब आगे के ऊपर या नीचे जाएगी तो एक्सेलरेशन या तो वीक होगी या स्ट्रांग हो जाएगी बच्चे। हाँ बोल बच्चे। सर मतलब जब उतरना तो mg sin theta greater than ma cos theta, जब सेपरेट हो जाना सरफेस से तब क्या बेटा? जब सेपरेट ही हो जाना सरफेस, यहाँ पर सेपरेट का केस नहीं आ सकता ना बच्चे। यहाँ पर सेपरेट का केस कैसे आ जाएगा? आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है यहाँ पर बता बता बच्चे। यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? दो मिनट नमन बच्चे। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg cos theta plus of ma, mg cos theta plus of ma sin theta, अब बता बच्चे। यहाँ पर नॉर्मल और पिछले केस में क्या था बच्चे बता जरा मुझे। एन प्लस ऑफ बच्चे एम ए आपके पास है, एम ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी, वहां पर भी साइन ऑफ थीटा था सर, साइन थीटा। एन प्लस ऑफ एम ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी बच्चे आपके पास कॉस ऑफ थीटा। अब बताओ वहां पर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर था प्रीवियस केस में? बता बच्चे n किसके बराबर था? mg cos of theta minus of mg, अब अपना दिमाग लगा, ma, ma into sin of theta। मैं अगर तुझे ये एक्सप्रेशन देता हूं जिसमें माइनस साइन आ रहा है और ये एक्सप्रेशन देता हूं जिसमें प्लस साइन आ रहा है, बता बच्चे किसमें नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने के चांसेस ज्यादा, प्लस वाले में कि माइनस वाले में? बोल बच्चे। माइनस वाले में। तो इसका मतलब यहाँ पर कभी भी बॉडी जो है लीव ही नहीं कर पाएगी। नहीं आई बात समझ में? समझ गया सर। ठीक है बिल्कुल, थैंक यू बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चे हमारे पास ये, हाँ बोल बोल। हाँ नमन तेरा हाथ उठा था बच्चे, बोल नमन। सर ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन होता है जो ड्रॉपलेट को ऊपर को ले आता है? एक्सेलरेशन कौन सा मतलब? मैं समझा नहीं, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ही होती है भाई। अच्छा मतलब वो कहीं से भी हो जाता है एक्सेलरेशन ऊपर को? आप सम, आप आपका क्वेश्चन बच्चे जो फ्रेम नहीं हो पा रहा आपसे। जैसे आपने कहा ना कि एक्सेलरेशन की कोई टाइप थोड़ी ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, नेगेटिव को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन, दो ही टाइप्स होती हैं बच्चे। नहीं आपने कहा ना सर कि जैसे कार में जब ड्रॉपलेट गिरती है तो ऊपर को जाती है, तो वो कौन सा वाले एक्सेलरेशन की वजह से ऊपर को जाती है? बेटा वो सूडो फोर्स की वजह से ऊपर जाती है। ठीक है वो किसकी वजह से जाती है? सूडो फोर्स की वजह से। आपके पानी के ड्रॉप के अंदर कोई इंजन लगा हुआ है बच्चे? है बेटा? नो सर। पानी के ड्रॉप में कोई इंजन नहीं है, तो पहले तो रॉकेट और ड्रॉप को तू जो है साइड में कर दे। रॉकेट में इंजन लगा हुआ है तो ऊपर ले जाएगा। अभी बच्चे तू क्या कर बेटा, एक जो है कार को सीधी वर्टिकली ऊपर रख के बच्चे चला दे, तेरी कार ऊपर चली जाएगी। ठीक है करके देखना, पहले कार को सीधी करना और ऊपर चली जाएगी बच्चे। इंजन की वजह से ऊपर जाता है, गैसेस की वजह से ऊपर जाता है वो बच्चे। उसमें मैकेनिकल बच्चे आपके पास एडवांटेज लगता है। और पानी की बूंद के ऊपर जो सूडो फोर्स का कंपोनेंट है एम ए कॉस थीटा, ये इसको ऊपर लेके जाता है विंडशील्ड के अंदर। ठीक है जितनी तेज गाड़ी चलाते हो पानी की बूंद उतनी जल्दी ऊपर जाने लग जाती है। और ये एग्जाम्पल किसका है? परफेक्ट एग्जाम्पल है बच्चे सूडो फोर्स का। जब बारिश हो पानी के ड्रॉप्स गाड़ी के विंडशील्ड पे हो तो गाड़ी चलाकर देखना, और गाड़ी को पीछे चलाएगा तो देखना बच्चे पानी की बूंद कहाँ जाती है, और आगे चलाएगा तो पानी की बूंद कहाँ जाती है, और फिर बच्चे मुझे बताना। ठीक है बेटा? सर बोलो। वही है ना कि गाड़ी जब आगे चलती है तो ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, कांच पे गिरते हैं, और पीछे की तरफ तो नीचे चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तभी नीचे भागेगी बच्चे क्योंकि वो वीक हो जाएगा बच्चे कंपोनेंट। यस कंपोनेंट वीक हो जाएगा, तो कंपोनेंट वीक हो जाएगा ना, तो कंपोनेंट वीक हो जाए तो वो भागेगी नीचे, और नीचे बच्चे एम जी साइन थीटा के साथ एम ए कॉस थीटा ऐड हो रहा है, तो नीचे की तरफ फटाफट भागती है बच्चे। और ये देखो जो आपके पास हो रहा है बच्चे वो फिजिक्स ही है बच्चे, वो फिजिक्स ही है बच्चे। और यहाँ पर आपका दिमाग चलना बहुत जरूरी है, आपका दिमाग चलना जरूरी है। टीचर के पास क्या नॉलेज है ये फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। मेरे जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं बेटा, आपके दिमाग में क्या जा रहा है ये मैटर करता है। आपको कोई पर्सन जे की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करवा रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ा रहा बच्चे, तो फिर तो गलत है ना। अब किसी बच्चे से पूछते हैं अभी क्या करें, अरे सर मैंने ना जे की सारी प्रॉब्लम लगा दी। अच्छा क्या आपको जे के लेवल का पढ़ाया गया? क्योंकि बच्चे जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो कई टीचर वो सॉल्यूशन रट के आ जाते हैं, वो करवा देते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ाते। अब जैसे कल हमने कौन सा मेथड किया था बच्चे, कौन सा मेथड किया था क्लास में? स्टार डेल्टा।
और मैंने आपको स्टार डेल्टा मेथड से एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से करके आपको बताया, देखो आंसर सेम आएगा। ये जी के लेवल का पढ़ना आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चंस आपको बोल दिया मैंने, एच सी वर्मा ले लो, खरीद लो बच्चे, एच सी वर्मा एरिडोव खरीद लो। नहीं खरीदोगे बच्चे, 80 रुपए की बच्चे एरिडोव आती है, सेकेंड हैंड ले लो बच्चे, 40 रुपए की आ जाएगी, लेकिन बच्चे आपकी जिंदगी बना देगी। ठीक बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर, और मैं आपको बताता हूँ बच्चे, मैं तो ये कहता हूँ यार किताबों को बेस्ट फ्रेंड बनाओ और उससे काम लेना का स्टार्ट करो। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है बच्चे, आगे की तरफ को चलते हैं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर बच्चे हमारे पास स्यूडो फोर्सेस के बहुत बहुत बच्चे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बच्चे हमको यहाँ पर बताते हैं कि स्यूडो फोर्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोर्स है बच्चे इन द केस ऑफ द फिजिक्स। जैसे बच्चे हमारे पास लिफ्ट प्रॉब्लम थी बच्चे, क्या लिफ्ट प्रॉब्लम को मैं सूडो फोर्स से देख सकता हूँ? तो आंसर है यस। ये बच्चे हमारे पास विंग मशीन, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पर्सन खड़ा हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन है एन, और नीचे की तरफ को क्या है बच्चे आपके पास एम जी, और बच्चे ये ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। बताओ इस पे, इस आदमी पे सूडो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी? कहाँ की तरफ को लग जाएगी बच्चे? शाबाश बोलो, की तरफ। ये बच्चे नीचे की तरफ को लग जाएगी। ये बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को लग जाएगी बच्चे? नीचे की तरफ को बच्चे हमारे पास लग जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा और नॉर्मली, और वेट की रीडिंग बढ़ जाएगी। मतलब यही तो चीजें बच्चे जो हमको समझ में आनी चाहिए, यही चीजें बच्चे जो हमको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। चले आगे की तरफ बच्चे, चले आगे बच्चे। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे क्या निकल कर आता है आफ्टर द स्यूडोफोर्स। आज हम नई चीज बच्चे डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है जिसमें ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्टेड मोशन। इसके आपके पास बड़े एग्जांपल्स, जैसे बच्चे आपकी ट्रेन कंस्ट्रेंट है बच्चे पटरी पे चलने के लिए, तो आप बोलोगे उसकी मोशन कंस्ट्रेंट है, वो पटरी पे चल सकती है, पटरी से इधर उधर नहीं जा सकती। अगर आपको एक जिप लाइन, जिप लाइन क्या होती है, एक रस्सी होती है जो दो एंड्स पे बांटी हुई होती है, ये बच्चे जो उत्तराखंड के बेटा वहां पर होती है ना बंजी जंपिंग वगैरह होती है ना, आया ना तुम्हारे वहां पर होती है भाई बंजी जंपिंग? यस सर। कितनी दूर है तुम्हारे वहां से? यहीं पे होती है नौकुचियाताल। तेरे घर के आसपास भेज मुझे यार, मुझे एड्रेस भेज देना यार, मैंने करनी है तुम्हारी लाइफ के अंदर। ठीक है बेटा, पर तुमको बगैर बताए आऊंगा, तुमने रस्सी काट देनी है। तो कंस्ट्रेंट मोशन बच्चे हमारे पास ज्योमेट्रिकली रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे बंजी जंपिंग के अंदर आदमी नीचे ही जाएगा, जैसे बच्चे आप जिप लाइन पे चलते तो आदमी एक रस्सी पे जाएगा, पर कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर कुछ एक चीजें होती है, जरा देखते हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे मैं आपको करवाता हूँ जर्नल वे, जर्नल बच्चे आपके पास कंस्ट्रेंट मोशन की जर्नल अप्रोच क्या है बच्चे, ये मैं बता दूं बच्चे, ये नीट में नहीं है, ये सीधा बच्चे आपके पास आईटी के बच्चों को ज्यादा पूछा जाता है जर्नल अप्रोच। जर्नल अप्रोच बच्चे हमारे पास क्या कहती है बच्चे, अगर मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, ये बच्चा हमारे पास एक बॉडी है रस्सी मान लो जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, रॉड मान लो जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इसके बच्चे हमारे पास दो एंड पॉइंट्स है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, और इसकी लेंथ बच्चे हमारे पास एल। अब फोकस करना, मैं क्या समझाने की कोशिश करूं, फोकस करना, अगर इसके पहले एंड पॉइंट की वेलोसिटी बच्चे वी वन है, और बच्चे हमारे पास ये वी वन है और ये इसकी लेंथ के साथ एंगल अल्फा बना रही है, और बच्चे हमारे पास यहां पर क्या चीज आ गई बच्चे, मोशन कर रही है बॉडी, ये बच्चे आपके पास इसकी वेलोसिटी आ गई v2, और ये बच्चे हमारे पास यहां पर एंगल बना रही है बीटा के बराबर, तो अब कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहता है ध्यान से समझ, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट मोशन अगर बच्चे हमारे पास इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट बना देंगे तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा v2 साइन ऑफ बीटा, और ये बच्चे हमारे पास v2 कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा। यहां पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, v1 कॉस ऑफ अल्फा, और दूसरा बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा v1 आपके पास साइन ऑफ अल्फा। कंस्ट्रेंट क्या कहता है,
इफ द लेंथ ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम, इफ द लेंथ ऑफ रिजिड बॉडी, क्या ट्रेन चलते चलते अपनी लेंथ को चेंज कर सकती है? आंसर है नहीं. इफ द लेंथ ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन सेम, यह बच्चा आपके पास सेम रहती है, इट रिमेन सेम, फोकस करना बच्चे इंपॉर्टेंट है. देन द वेलोसिटी, अब फोकस करना, वेलोसिटी ऑफ द एंड पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ क्या बोल रहा हूं बच्चे मैं, एंड पॉइंट्स, द वेलोसिटी ऑफ द एंड पॉइंट्स शुड बी इक्वल अलोंग देयर लेंथ, शुड बी इक्वल अलोंग देयर लेंथ, अलोंग देयर लेंथ. अब इसके पीछे लॉजिक समझिए बच्चे, along their length, इसके पीछे logic समझो. अगर मान लो v1 cos alpha बड़ा है, अगर v1 cos alpha बड़ा है और v2 sin beta छोटा है, तो इसकी length बढ़ने लग जाएगी कि कम होने लग जाएगी? सोचो. सर क्या फिर से बोलिए. अगर v1 cos alpha जो यहाँ पर इसके velocity पे बच्चे, इसके end पे velocity along the length लग रही है. ये v1 cos अल्फा बड़ा है और v2 sin बीटा छोटा है एंड पॉइंट का, तो इसकी लेंथ बढ़ने लग जाएगी अभिषेक की, कम होने लग जाएगी? शाबाश बोलो. सब बढ़ेगी रिजिड बॉडी की. एग्जैक्टली बच्चे बढ़ने लग जाएगी. और ये क्यों बढ़ेगी बच्चे आप समझिए, आप इसका मतलब है एक पॉइंट के स्पीड कम है दूसरे की ज्यादा, तो बढ़ने लग जाएगी और बताओ खींच जाएगी. और अगर v2 sin बड़ा है और v1 cos अल्फा छोटा है, तो बताओ लेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? छोटी होगी, स्ट्रेंथ छोटी होगी तभी. और मुझे लेंथ को कांस्टेंट रखना है, ये कंस्ट्रेंट है. और ऐसा होता भी है. तो इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या आ जाएगा, इस पे कंस्ट्रेंट बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा याद रखना, v2 sin of beta is equal to v1 cos of alpha, ये कंस्ट्रेंट, ये बच्चे कंस्ट्रेंट है. इस कंस्ट्रेंट को अब मैं जगह जगह अप्लाई करके आपके दिमाग की बत्ती पहले तो जलाने की कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा और आप फूक मारकर बच्चे उस बत्ती को बुझाने की कोशिश करना, फिर जलाऊंगा. और ऐसा करते करते बच्चे आपको समझ में आ जाएगा कि बत्ती जगाना की इंपॉर्टेंस. चले स्टार्ट करें क्वेश्चन पहला. देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन, और मुझे आपके ऑब्जेक्शन का इंतजार रहता बच्चे. ये बच्चे एक ब्लॉक है और यहां से बच्चे का रस्सी को लिया गया, इसको बच्चे हमने ऐसे करके आगे लगा दिया और ये बच्चे हमारे पास एक बहुत बड़ा वेज. अब बताओ अगर आप रस्सी को आगे खींचोगे, इस रस्सी को बच्चे आगे खींचोगे इस पॉइंट पे, इस रस्सी को आप खींच रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ यू मीटर पर सेकंड, इसके आगे खींचने से ये वाला पार्ट, और ये बच्चे हमारे पास है, ये गिवन है कि ये एंगल बच्चे हमारे पास ठीक है, इसके इसके रस्सी के आगे खींचने से ये वाला ब्लॉक जिस पे रस्सी लगी हुई, ये कहां की तरफ को चलेगा? ये वर्टिकल चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा, या एक एंगल पे चलेगा? बोलो शाम. एंगल पे चलेगा. अरे काका जी हॉरिजॉन्टल चलेगा, ग्राउंड के ऊपर चलेगा, ये बच्चे आगे चलेगा, इसकी इस वेलोसिटी बच्चे ये वी मीटर पर सेकेंड मान लेते, ठीक बेटा? अब देखो यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या बोलता है बच्चे, अब मुझे इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकाल, उठ नहीं जाएगा जब उसको खींचेंगे तो. अरे काका जी कितना कर उठेगा बेटा, कितना कर उठ जाएगा, मतलब कि हवा में उड़ जाएगा? कितनी की वेलोसिटी लगा रहे हो बेटा, मतलब कि इंसानों वाली वेलोसिटी लगा रहे हो, किंग कॉन्ग वाली वेलोसिटी नहीं लगा रहे, ठीक है बेटा? अब बच्चे कंस्ट्रेंट क्या बोलता है बच्चे हमारे पास, कि इस रस्सी की लेंथ खींचते वक्त कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए. तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब बच्चे कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये वाली वेलोसिटी तो एंड पॉइंट की लेंथ के अलोंग, लेकिन यहाँ पर ये वेलोसिटी लेंथ के अलोंग नहीं, तो लेंथ के अलोंग वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चला जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, वी कॉस. और यहाँ पर बच्चे हमारे पास कौन सा आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, वी साइन थीटा. बताओ कंस्ट्रेंट के हिसाब से क्या आ जाएगा? यू इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, बस काम खत्म. और अब टीचर यही तो क्वेश्चन पूछेगा, दोनों वेलोसिटीज के रेशियो बता दो. बच्चा बोलता है स्यापा पड़ गया, कैसे बताऊं, कैसे बता दूं, मुझे तो पता ही नहीं. जबकि बच्चे कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक लाइन में होते हैं. ये बच्चे गाड़ी चलाने जैसे हैं, जिस दिन करना शुरू कर दिया आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी. और मैं बार बार इन्हीं पॉइंट्स को बच्चे आपके सामने उठाऊंगा बार बार. देखिए कैसे, ये बच्चे हमारे पास एक पुली है बच्चे, फोकस करना. ये बच्चा हमारे पास एक मास है,
ये बच्चे आपके पास ऐसे आ गए और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गए और ये बच्चा आपके पास क्या आ गया, ये देखिए ये बच्चा हमारे पास आ गया। अब बच्चे हमारे पास टीचर ने ये एंगल थीटा दे दिया, अब आप इसको नीचे खींच रहे हो विद यू मीटर पर सेकंड, कितने से खींच रहे हो, यू मीटर पर, और ये बच्चे जब खींचोगे ये थोड़ा आगे जाएगा और ये बच्चे वी मीटर पर सेकंड है, तो ये पॉइंट बच्चे अगर वी मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, कंस्ट्रेंट क्या बोलता है बच्चे, शाबाश बोलो, आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि लेंथ के अलोंग होगा वो कांस्टेंट होगा, तो जब मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये 90 माइनस थीटा और थीटा यहां पर है। अब बताओ बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, थीटा इक्वल टू यू, बिल्कुल। तो अब कंस्ट्रेंट क्या बोलता है बच्चे, वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू के बराबर। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस की बच्चे हमारे पास भरमार है, किसके अंदर बच्चे, फिजिक्स के अंदर, किताबों के अंदर। हाँ अभिषेक बोल बच्चे। सरी कांस्टेंट पिछला वाला मतलब क्या होता है, क्या बेटा, सरी कांस्टेंट मतलब क्या है इसका, मतलब कांस्टेंट का मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे ये बच्चे हमारे पास एक ग्राउंड है फ्रिक्शनलेस और एक वॉल, इसके साथ बच्चे हमने क्या लगा दी हुई है बच्चे, एक जो है बच्चे आपके पास क्या लगा दी गई है, एक बच्चे सीढ़ी एक लैडर को लगा दिया, या बच्चे एक किसको लगा दिया बच्चे, हमने एक लेंथ को लगा दिया, एक बच्चे रॉड को लगा दिया जिसकी लेंथ है लेंग, और ये इस वक्त एंगल थीटा बना रहा। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस एंड पॉइंट को खींचना शुरू कर देते, आप इस एंड पॉइंट को खींचना शुरू कर देते आ जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए क्या इसकी लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा बच्चे? मैं तुझे भी एक टेक्निकल बात बताता हूँ, इसको तूने वी मीटर पर सेकंड से खींचा, इसकी लेंथ एल है, ये बच्चे वाई है और ये बच्चे हमारे पास एक्स है, हाँ है ना बेटा? यस सर, है ना बच्चे, किसी और बच्चे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चे बता जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर। जैसे जैसे ये लैडर नीचे गिरेगी इन तीनों में से कौन कौन चेंज होगा और कौन कौन सा चेंज नहीं होगा, एक्स वाई चेंज होगा, एल चेंज नहीं होगा, एल नहीं होगा, यही कंस्ट्रेंट है कि लेंथ चेंज नहीं होगा, आपके एक रिस्ट्रिक्शन लग गई ना कि ये अगर रॉड ने नीचे गिरना है तो लेंथ चेंज नहीं होगी, बाकी एक्स वाई चेंज कर लो, आप जो मर्जी कर लो सिस्टम में लेंथ कॉन्स्टेंट होगा। अच्छा डिफ्रेंसिएशन कर दो क्या आ जाएगा, टू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ऑफ बच्चे टू y into dy upon dt is equal to zero, तो ये constant। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y dy upon dt is equal to minus, तो minus ठीक है बच्चे क्योंकि y बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है बच्चे, तो माइनस उसको बता रहा है। और बच्चे हमारे पास 2x into आपके पास क्या आ गया dx upon dt, ये भी dt है बच्चे, 2 से 2 कैंसर, नेगेटिव साइन को ज्यादा दिमाग में नहीं लगा। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, dy upon dt वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, जिसको बच्चे हम यहाँ पर अभी क्या मान लेते हैं, जिसको बच्चे हम यहाँ पर अभी मान लेते हैं बच्चे आपके पास u मीटर पर सेकंड, ये बच्चे u मीटर पर सेकंड, ये नीचे है क्योंकि ये नीचे आ रही है, y कम हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन, ये वी वाई इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर x है, यहाँ से नीचे y आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है बच्चे आपके पास बता दो, वेलोसिटी। अब u इज इक्वल टू, मैंने नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया x अपॉन y, कोई बच्चा बता सकता है x अपॉन y क्या होगा इस डायग्राम में, tan थीटा, तुम्हारे ना कान पे पड़ने वाली होगा, ये बच्चा हमारे पास cot थीटा, तो v cot थीटा, अगर बच्चे आप tan थीटा से तुम्हें ज्यादा प्यार है तो v upon tan थीटा, ठीक है बेटा। अब yes. आप मेथड देख लो I'm sorry बच्चे अगर बच्चे मैं कंस्ट्रेंट के अपने लॉजिक से चलूं, जो बच्चे मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बोला था कि आपके एंड पॉइंट की वेलोसिटी जो कि लेंथ की तरफ है, ये लेंथ की तरफ ये वेलोसिटी है, इसकी लेंथ की तरफ ये वेलोसिटी। अब बच्चे हमारे पास इसके लेंथ की तरफ वेलोसिटी बच्चे हमारे पास अगर आ गई है तो बताओ कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, शाबाश बोलो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, बताओ ये अगर वी है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, वी कॉस थीटा, और ये बच्चा आपके पास क्या बन जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, बोलो वी साइन।
अगर आपका वेक्टर सही है तो सब कुछ सही है, अगर वेक्टर कमजोर है तो सब कुछ कमजोर हो जाएगा। ये आ गया, अब इसके कंपोनेंट बना देते हैं, इसके बच्चे एक कंपोनेंट यहाँ पर है और एक कंपोनेंट बच्चे यहाँ पर बन जाएगा। अब एंगल देख लो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो बताओ ये किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो, यू कॉस थीटा, सॉरी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा। अब कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगा दो, बताओ क्या बताया था मैंने कंस्ट्रेंट के अंदर? शाबाश, यू साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, एक लाइन के अंदर आंसर आता है भाई। और अगर आपके पास एच सी वर्मा है तो मैं आपको बताऊंगा बच्चे कैसे उसने आधे पेज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया, और अगर तुम मेरा मेथड लगाते हो एक लाइन के अंदर आंसर आता है। बच्चे को यकीन नहीं आता, बच्चे को लगता है सर ये मेथड कहीं काम नहीं आएगा। मैं फिर उसको एच सी वर्मा की सॉल्व प्रॉब्लम करवाता हूँ, एक तो उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, दूसरा बच्चा आधे पेज का सोल्यूशन है जबकि आंसर वो वही बताता है जो मैं बता रहा हूँ। बेटा इसका मतलब क्या है कि आप इजी काम करो, मुश्किल काम जरूर थोड़ा करना है। यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, अब बताओ बच्चे यू की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश बताओ बच्चे, वी कॉट थीटा, और वहां पर क्या आया था बच्चे? शाबाश बोलो, वी कॉट थीटा, बात तो सेम है। चाहे तो बच्चे आप ज्योमेट्री से कर लो, चाहे बच्चे आप मेरे तरीके से कर लो, आंसर में कोई फर्क, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लेके आ जाओ, मेरे कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हो कंस्ट्रेंट के, आपका बच्चे क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व होगा, और कई बार तो देखना भी नहीं पड़ेगा, कई बार पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। कहां पर बच्चे आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये करोगे वो करोगे और बच्चे फंस जाओगे, आप इस मेथड को करिए। ठीक है, चले आगे। प्रज्वल को डाउट है का? नो सर, सर मैं भी यही पूछ रहा था कि मतलब डिफरेंशिएशन कहां पे करना है, जैसे यहां पे आपने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दिया। क्या बच्चे? तो मैं भी यही पूछ रहा था कि डिफरेंशिएशन कहाँ पे करना है, तो ये वाला मेथड ठीक है? हाँ देख लीजिए बच्चे, देखो मैं आपको मना नहीं करता हूँ, देखिए बच्चे अपने लेवल पे बहुत बहुत मेहनत करते हैं बेटा, ठीक है, अपने लेवल पे मेहनत करते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है बच्चे कि 245 के बैच में एक लड़की है बच्चे, उसने प्रीवियस ईयर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन बच्चे देखे, और मुझे बकायदा उस बच्चे ने मैसेज किया कि सर इसमें सारे क्वेश्चन रेजिस्टेंस के। अब जैसे ही उस बच्चे ने इनपुट दी, मैंने तुम्हें भी बच्चे हौसला बढ़ाया कि यार वो बच्चा कर रहा है तो तुम्हारे में क्या, तुम्हें क्या तकलीफ है? यानी देखो हम सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन देखेंगे तो हमको पता लगेगा ना कि अब रेजिस्टेंस है, तो अब उस बच्चे का माइंड सेट हो गया कि सर मुझे अब रेजिस्टेंस ही करना है, अब मैं इधर उधर। अब आप बच्चे आप देखो प्रीवियस ईयर, अच्छा प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया, तो मैं वही काम करूंगा बच्चे जो काम बच्चे सारा का सारा क्या है बच्चे जो पूछा जाता है, मैं इधर उधर क्यों करूं? तो कंस्ट्रेंट बच्चे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेंट बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। ठीक है, चले आगे की तरफ बच्चे। yes, आगे चलो, अब yes, चलते हैं। अब बच्चे हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गया, अब मैं आपको एच सी वर्मा की वो प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है बच्चे, हमारे पास एक फ्रिक्शन लेस, आपके पास क्या रस्सी है, इसके ऊपर एक रिंग है, इसके ऊपर बच्चे हमारे पास एक रिंग है ऐसे करके, ये रिंग है और इसका मास बच्चे हमारे पास एम केजी। इस रिंग को बच्चे एक रस्सी से जोड़ा गया, और बच्चे यहाँ पर मेरे पास एक पुली है और उस पुली से नीचे उसको खींचा गया, ये ऐसे करके, ये बच्चे हमारे पास ऐसे हो गया। एक मिनट, ये बच्चे हमारे पास पुली है और ये बच्चे हमारे पास मास है, बच्चे हमारे पास कैपिटल एम। आपने इसको फिक्स किया है क्या? क्या बेटा? पुली को आपने फिक्स किया है क्या ग्राउंड से? हाँ, ग्राउंड से फिक्स हो गया। अब ये बात बच्चे हमारे पास आ जाती है कि अगर ये मास बच्चे हमारे पास नीचे की तरफ को आ रहा है विद द स्पीड ऑफ यू मीटर पर सेकंड, ये बच्चे अगर मेरे पास यहाँ पर एंगल थीटा पे, तो ये बच्चे आपके पास कितनी स्पीड से आगे जाएगी, क्योंकि मास नीचे गिरेगा तो धीरे धीरे रस्सी बच्चे नीचे आएगी और बच्चे ये रिंग कहाँ पर जाएगी? आगे। अब रिंग के आगे जाने की वजह क्या है? क्योंकि ये बच्चे रस्सी की लेंथ को चेंज नहीं करना चाहते। अगर रस्सी की लेंथ चेंज हो सकती थी तो क्या ये मास अपनी जगह से हिलता? क्या ये बच्चे no, रिंग अपनी जगह से हिलती? बोलो। नो सर। इन दोनों को ये बात पता है कि रस्सी की लेंथ को कॉन्स्टेंट रखना, ना खींचना है ना कंप्रेस करना है। इस चक्कर में जब ये मास नीचे जाता है तो रस्सी की लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए जो रिंग है बच्चे
अब बताओ ये कहां की तरफ को जाएगी, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? शाबाश, राइट हैंड साइड, बिल्कुल। और ये मान लो कि इसकी स्पीड आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है। ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। अब लास्ट पॉइंट बच्चे, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए। शाबाश, रस्सी पे कॉस थीटा आ जाएगा। शाबाश, रस्सी पे बच्चे कॉस थीटा आ जाएगा। और टेंशन वो टेंशन टूंशन छोड़ दे, ये वी कॉस थीटा बच्चे हमारे पास और ये बच्चे आपके पास ही है। अभी चलते चलेंगे, चलते चलेंगे बच्चे, आपको बहुत चीजें बताने वाले। v cos theta is equal to बच्चे हमारे पास u, तो v is equal to क्या आ जाएगा, u upon cos theta। ये बच्चे HC वर्मा की बुक के अंदर आधे पेज में सॉल्व करके ये बताया, जबकि मैंने दो सेकंड में कर दिया। जी कोई डाउट? नो सर। ये बच्चे हमारे पास थे पहले लेवल के बच्चे, आपके पास था इसमें u के कंपोनेंट्स क्यों नहीं बने, मतलब वो स्ट्रेट पे था इसलिए। इसके बच्चे u के कंपोनेंट्स, बेटा u के कंपोनेंट्स क्यों बनाने, एक तो ये एंड पॉइंट पर है और ये वेलोसिटी बच्चे लेंथ के अलोंग दिया, तो क्यों कंपोनेंट बनाएगा? ठीक है सर। अगर तो इसके कंपोनेंट बनाएगा तो वो लेंथ के अलोंग जाएंगे? नहीं सर। फिर ठीक है बेटा, समझ गया सर। हाँ कोई बात नहीं बच्चे। ओके सो ये बच्चा हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, अब बच्चे हमारे पास आ जाती है रोप कंस्ट्रेंट। रोप हो गया बच्चे हमारे पास, पुली आ गई, वेजेस आ गए, ये सब इनका कंस्ट्रेंट एक ही जगह पे आ जाएगा। रोप पुली कंस्ट्रेंट, रोप एंड पुली कंस्ट्रेंट। अब ध्यान से समझ, रोप पुली कंस्ट्रेंट के अंदर बच्चे एक बात ध्यान रखना, टेंशन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, टेंशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्सेप्ट है। टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ये बच्चे कॉन्स्टेंट रहेगा किसी भी एक सिस्टम के, किसी भी एक सिस्टम के अंदर अगर आपके पास टेंशन टी है और एक्सेलरेशन ए है, तो ये प्रोडक्ट बच्चे पूरे सिस्टम के अंदर कॉन्स्टेंट रहेगा, ये पूरे सिस्टम के अंदर बच्चे हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। जैसे कि बच्चे मेरे पास यहाँ पर एक बक्सा है बच्चे, फोकस करें, इस बक्से के ऊपर बच्चा हमारे पास क्या किया गया, एक पुली लगाई गई। यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक ऐसे आ गया और बच्चा हमारे पास ये रस्सी को यहाँ पर जोड़ा गया, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पुली लगाई गई और ये रस्सी घूम कर, बस ये रस्सी बच्चे ये घूम कर आपके पास यहाँ पर जाकर बच्चे आपके पास जुड़ गई, मतलब कि ये रस्सी बच्चा हमारे पास यहाँ पर जाकर इसके ऊपर जुड़ गई, ये कोई सिस्टम बना दिया किसी इंसान का। मास आ गया 6 kg का और यहाँ पर मास आ गया 2 kg का। अब ध्यान से सुनो, टीचर बोलता है कि अगर 6 kg की बॉडी आगे चल दू, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो मर्जी मान लो, और ये बच्चा हमारे पास 4 m/s² से चल रही है, आपको बताना है 2 kg की बॉडी कितनी एक्सेलरेशन से चल रही है। अब बच्चा जब ये क्वेश्चन करने बैठता है बेटा, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती है। मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकता, कैसे? ये 6 kg है तो टेंशन आगे टी, टेंशन आगे टी, टेंशन आगे टी, टेंशन बच्चे टी और टेंशन बच्चे टी, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास टेंशन आगे टी, यहाँ पर बच्चे हमारे पास टेंशन बच्चे आपके पास आ जाए, ठीक है। अब बताओ बच्चे कि यहाँ पर इस 6 kg के साथ टोटल कितनी टेंशन लग रही है बच्चे आपके पास? 1, 2 और 3 टेंशन लग रही है। और बच्चे इसके साथ भी कितनी टेंशन लग रही है बच्चे? शाबाश बताओ बच्चे, ये भी 3 लग रही है। जब टेंशन, अगर मैं बोलूँ कि इसके साथ 3T की टेंशन लग रही है और इस पे भी 3T की लग रही है, तो बेटा टेंशन चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? अगर मान लिया जाए कहीं पर एक्सेलरेशन का लोचा हो जाता, कैसे? इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चे हम देखते हैं कि अगर बच्चे हमारे पास, अगर मान लिया जाए मैं रस्सी को कुछ ऐसे बना देता, फोकस करें, ओके, अगर बच्चे मैं इस रस्सी को ऐसे बना देता, देखिएगा बच्चे, ये बच्चा हमारे पास रस्सी ऐसे आ गई और यहाँ पर इस रस्सी को इसके साथ क्या कर दिया बच्चे, जोड़ दिया और खत्म कर दिया।
अब बच्चे टीचर बोलता है अगेन ये 6 kg है और ये बच्चे 2 kg है, अब एक्सेलरेशन बताओ। अगर 6 kg के एक्सेलरेशन 4 m/s² है तो 2 kg के एक्सेलरेशन क्या हो, आपके पास 2 kg के एक्सेलरेशन क्या होगी, बड़े आराम से बताना। टेंशन आपके पास टी, ये बच्चे आप बताओ इस 2 kg के साथ कितनी टेंशन काम कर रही है बच्चे आपके पास, और इसके साथ कितनी काम कर रही है 3। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, ये बच्चा आपको बोलेगा 3t multiplied by 4 इज इक्वल टू 2t multiplied by 8। तो ये बच्चा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, 6 m/s। तो इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 6 m/s। लग गया पता बच्चे, लग गया पता कंस्ट्रेंट। फोर कहाँ से है? बोल बोल बेटा। तो इधर भी तो दोनों की 3 टेंशन ही हैं। आवाज थोड़ी सी दब रही है बच्चे, बोल बोल शाबाश। सर इधर भी तो टेंशन 3 ही हैं दोनों के साथ। किसके साथ बच्चे? दोनों बॉडीज के साथ। हाँ हाँ टेंशन बच्चे टी और टी है। आपको ऑब्जेक्शन एग्जैक्टली क्या है? मतलब लास्ट क्वेश्चन में जब 3 टेंशंस थी दोनों के साथ इक्वल थी तब हमने इक्वल मान दिया था, इधर भी तो 3-3 हैं दोनों के साथ। कैसे बच्चे? यहाँ पर बच्चे कनेक्शन देखना, ये यहाँ पर रस्सी गई, ये यहाँ पर आके रस्सी बंद होगी। लास्ट वाले को नहीं मानना फिर जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है? बेटा ग्राउंड के साथ नहीं मानेंगे ना बच्चे, ग्राउंड हम बॉडीज को स्टडी कर रहे हैं, हम ग्राउंड को नहीं मानेंगे, बॉडी के साथ जो अटैच्ड है। अच्छा मैं तेरी प्रॉब्लम समझ गया रोनित, यहाँ पर ग्राउंड, ग्राउंड तो बच्चे एक अलग चीज है, वो एक रेफरेंस है, उसको छोड़ दीजिए। आपने बॉडी के साथ देखना, जैसे टी और टी बच्चे तो ये आपके पास क्या आ गया 2t और ये बच्चे 2t है ना, यहाँ पर बच्चे आपके पास टी है तो ये बच्चे आपके पास 2t है तो 3t है, बॉडी के साथ नहीं देखना। ठीक है बेटा? ओके ठीक है, चल कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन पूछते रहो बच्चे, अरे घबराना काहे का यार, मैं तो कितना बार बच्चों को कहता हूँ क्वेश्चन पूछो। हाँ बोलो। तो उसी क्वेश्चन में एक बार बोल बोल शाबाश। तो मतलब ये ऐसे मतलब फिक्स है यहाँ पे, ये रस्सी फिक्स है तो ये मतलब दोनों मूव चलेगा? देख अगर तू इस चक्कर में पड़ गया ना कि सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ बच्चे, बहुत प्रैक्टिकल। एक लड़का था बच्चे, हिमाचल में एक जगह पड़ती है अर्की, अर्की जगह पड़ती है, कुंवर दिव्यांशु था लड़का, बहुत इंटेलिजेंट था। सिर्फ बच्चे वो एक चीज में अड़ता था, वो हर चीज को जो है ना प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करता था बहुत, मतलब कि 1 साल या 2 साल लगे बच्चे उसको समझाने के अंदर, और समझ गया फिर मैं बोलते ये तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, चल तेरे को टीचर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, टीचर हो सकता है कोई इमेजिनरी कंडीशन पूछ रहा हो, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चे और बच्चे उससे आगे निकल जाना है, इमोशनल नहीं होना उसके साथ। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे जब आप NDA के फिजिकल फिटनेस के टेस्ट में जाते हो, वहां पर आग जली होती है, आपको टाइम दिया जाता है, तो बेटा अब कई लोग क्या सोचते हैं, अच्छा आग में से कूद के जाऊंगा, बोलूंगा यार ये बंदा इसको सिलेक्ट कर लो। आपको टाइम देखना, अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर बाधा से अगर आप क्रॉस करते हो आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, आप छोड़ दो उसको, वो इसको इंटेलिजेंस है, तो आप उस चीज को छोड़ दो, उसको अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो वो हमारे क्वेश्चन को खराब कर देंगे, बस ये चीज। मैं भी इसमें से गुजर चुका हूँ इसलिए मैं तुमको एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसमें से गुजर चुका हूँ और मैं भी बहुत दिमाग लगा चुका हूँ, ऐसे होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा, बाद में पता लगा यार ये कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर निकालो, इसी की वैल्यू है, आया ना? यस वैल्यू बच्चे क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं बच्चे। अब देखो बच्चे हमारे पास इसका मतलब क्या होगा, ये बच्चे हमारे पास एक मास आ गया बच्चे आपके पास, ये रस्सी लगी हुई है, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक जिसको बोल सकते हैं पुली को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया हो, ये पुली को फिक्स कर दिया ऐसे, यहाँ से बच्चे आपके पास रस्सी गई, ये रस्सी गोल घूम गई और ये रस्सी बच्चे हमारे पास ऊपर चली गई, यहाँ पर ऐसे हो गए। अब बच्चे सिस्टम तो एक्सेलरेट करेगा बच्चे आपके पास, देखो ये मास है बच्चे आपके पास 1 kg का और ये 2 kg का, और टीचर मुझे बोलता है सिस्टम की एक्सेलरेशन बताओ क्या क्या होगी दोनों बॉडीज की, क्या दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन सेम होगी, पहले तो ये देखिए बच्चे क्या दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन सेम होगी, जरा चेक कर लो। यहाँ पर बच्चे टेंशन है टी और ये टेंशन है टी, यहाँ पर टेंशन है टी और ये भी टेंशन है टी, ये टेंशन है टी और ये टेंशन, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा शाबाश बोलो,
2t और बच्चे हमारे पास 2t। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब इसके गिरने की टेंडेंसी नीचे है बच्चे, और इसकी टेंडेंसी आगे जाने की। और मैंने क्या बोला, फोकस करना। अगर मैं इसके एक्सेलरेशन को ए मान लेता हूँ बच्चे, मान लेते हैं ए, तो क्या दूसरे की भी एक्सेलरेशन ए होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके साथ टेंशन टी है और इसके साथ 2t। अब देखो करते कैसे, 2t मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके साथ एक रस्सी जुड़ी हुई है, टी से टी कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? 2a। दिमाग दिमाग लगाओ ना बच्चे, अगर दिमाग लग गया तो बच्चे सारी की सारी कहानी खत्म। क्योंकि बच्चे यहां पर देखो 2t into a, t into 2a, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है। अब बच्चा हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ इसका, 2mg, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास mg है, और इसके लिए अपोजिंग फोर्स कोई नहीं। अब बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी आपके पास, इसके लिए क्या बन जाएगा, 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2m into a। दूसरे के लिए क्या बन जाएगी बच्चे हमारे पास, इसके लिए बच्चे हमारे पास t माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू m into बच्चे हमारे पास 2, ये होगी क्योंकि अपोजिंग फोर्स कोई नहीं। यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mg, तो 2mg माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4mg इज इक्वल टू 2mg। m सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 20/6, यानी कि बच्चे 10/3 मीटर पर सेकंड, 10/3 मीटर पर सेकंड, 10/3 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है बेटा, क्योंकि जी की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या होती है बच्चे, 10 के बराबर हो जाती है। हाँ बोलो, तो जैसे उसमें लेंथ वाले में जो हम कर रहे थे, तो वहां पे अगर कंस्ट्रेंट इक्वल नहीं है तो वहां पे मतलब लेंथ चेंज हो रहा है कहां, और कहां पर सर, मतलब जो भी लेंथ वाला किया था ना कंस्ट्रेंट में, तो उसमें मतलब अगर इक्वल नहीं है, ज्यादा या कम है, तो उसमें मतलब लेंथ चेंज हो रहा है, मतलब छोटा या बड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो सर इसमें भी वही है क्या, सेम कंडीशन? मैं तुझे समझाता हूँ, पहले इसको देख ले। ये बच्चे 10/3 मीटर पर, तुम बच्चे पता क्या, तुम मैकेनिक्स मुझसे पूरा दिन पढ़ लो बेटा, मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है जो पूरा दिन पढ़ लो बच्चे, मतलब कि यहाँ पर बच्चे 20/3 मीटर पर, मतलब कि मैं बोर ही नहीं होता हूँ, मुझे अभी तक इतनी चीजें फैसिनेट करती है भाई, ये क्या चीज है यार, एक छोटे से छोटा क्वेश्चन मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार मस्त। अच्छा चल चलते हैं, अब बच्चे तेरी बात को बच्चे यहाँ पर मैं कवर कर देता हूँ। देख ये बच्चा आपके पास रस्सी है, ये रस्सी नीचे गई और ये रस्सी बच्चे ऐसे गोल घूमी और ऊपर चली, ठीक बेटा, फोकस करते जाए। अब होता क्या है बच्चा हमारे पास, मान लेते हैं बच्चे हमारे पास ये रस्सी के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पोर्शन, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और ये पूरा का पूरा जेड है, यानी कि रस्सी की लेंथ क्या है बच्चे, शाबाश बता, एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ जेड है, हाय ना बेटा? यस सर। ठीक, अब बच्चे हमारे पास क्या होता है समझने की कोशिश करो, जब ये मास नीचे गिरेगा तो ये एक्स कम होगा बच्चे हमारे पास, आया ना? यस, एक्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, यानी कि बच्चे हमारे पास मान लो कि ये एक्स यहां से चेंज होके यहाँ पर आ गया, ये बच्चे आपके पास डेल्टा एक्स आ गया, यानी कि आपको यहाँ पे रस्सी मिली कितने की बच्चे, डेल्टा एक्स की। अब आप लेंथ यहां से मेजर करो तो अब नई लेंथ क्या आ जाएगी बच्चे, शाबाश बोलो, एक्स माइनस ऑफ डेल्टा एक्स। आगे बच्चे, अब ये पुली कहाँ की तरफ को गिरेगी बच्चे बताओ जरा, नीचे की तरफ। अब ये पुली बच्चा हमारे पास नीचे की तरफ को गिरेगी, ये पुली बच्चा हमारे पास नीचे की। अब ये एग्जैक्टली बच्चे इसके डेल्टा एक्स चलने से ये पुली नीचे कितना गिरेगी, अब देखते हैं यहाँ पर बच्चे हमारे पास कितने की लेंथ आएगी बच्चे आपके पास, डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ पर डेल्टा एक्स की लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर पुली बच्चे आपके पास नीचे की तरफ को गिर रही है, मान लिया जाए कि जो पुली बच्चे आपके पास नीचे गिरी तो अब यहाँ पर इसकी लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, वाई प्लस ऑफ, इसको बच्चे हम बोलते थे डेल्टा वाई डैश। अब ये लेंथ बच्चे सिर्फ एक तरफ जाएगी कि दोनों तरफ जाएगी, शाबाश बताओ बच्चे। सर दोनों तरफ जाएगी, यानी कि बच्चे ये जो बोल बेटा बोल, डेल्टा एक्स बाई टू हो जाएगी दोनों तरफ। बिल्कुल, ये अगर अब बच्चा बोलता है सर ये डेल्टा एक्स बाई टू ही क्यों आप ले रहे हो,
आप बच्चे डेल्टा से दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स वाई थ्री क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बच्चे अगर आप अनइवन कर दोगे एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम निकल गया मुझसे, कम आप अगर लोगे बच्चे तो उस केस में ये पुली रोटेट हो जाएगी, बहुत कंडीशंस है, ये पुली ने सीधा सीधा नीचे आना, गोल नहीं गोल। तो बच्चे इस वजह से यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई टू, ये डेल्टा एक्स बाई टू, और इसी वजह से अगर ये बच्चा हमारे पास डेल्टा एक्स मूव करता है तो ये पुली डेल्टा एक्स बाई टू से नीचे की तरफ को आती है, ये डेल्टा एक्स बाई टू से नीचे की तरफ को आती है, ये डेल्टा एक्स बाई टू से नीचे की तरफ को आती है, और इस वजह से इस के एक्सेलरेशन, अगर इसकी एक्सेलरेशन 2a के बराबर थी तो इस वाले पोर्शन की एक्सेलरेशन किसके बराबर थी, a के बराबर, हाफ मूव करती है, यानी कि ऊपर से रस्सी अगर x आती है तो पुली बच्चे इसमें से x by 2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ना कि x बच्चे, ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर, पक्का श्योर बच्चा, यस सर, इसको वैसे इतना डिटेल के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती है, रीजन बच्चा बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता बच्चे हमारे पास, ज्यादा बच्चे हमारे पास पूछा नहीं जाता, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए बस, टीचर बोलता है आपको क्वेश्चन करना आता है वो बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट क्या बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्या बच्चे, नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया बच्चे आपके पास, ये ब्लॉक आ गया बच्चे, ये ब्लॉक आ गया यहाँ पर बच्चा हमारे पास, एक पुली जुड़ी हुई है ऐसे बच्चे हमारे पास, ठीक है, ये पुली यहाँ पर ऐसे जुड़ी, यहाँ से बच्चा हमारे पास रस्सी आई, ये पुली गोल घूमगी, फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और पुली लगी हुई है, यहाँ पर बच्चे एक और पुली लगी हुई है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और पुली लगी हुई है, ये ऊपर वाली सारी पुलिस जो है बच्चे वो हमारे पास फिक्स है, और यहाँ से बच्चा हमारे पास एक मास नीचे की तरफ, ये रस्सियां बच्चे हमारे पास यहाँ पर भी लगी हुई, ठीक बेटा, ये हमारे पास है 7 mkg का मास, और ये बच्चा हमारे पास mkg का मास, समझ पा रहे, अब सिंपल सा ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास कि अगर ये 7 mkg का मास मान लो नीचे जा रहा है बच्चे आपके पास 10 m/s² से, तो ये छोटा मास कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक है, करने में बहुत ईजी है, देखो कैसे यहाँ पे रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन टी रस्सी से, टेंशन टी यहाँ पर टेंशन टी और ये बच्चे टी, यहाँ पर टी प्लस टी कितने के बराबर आ जाएगा, टी प्लस टी कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे हमारे पास, टी। अब बताओ 7 mkg बॉडी के ऊपर टोटल कितनी टेंशन्स काम कर रही है बच्चे, शाबाश, 5t, और इस पे बच्चे हमारे पास एक सिंगल टी, अब इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है तो कैसे आ जाएगा, 5t × 10 = t × a, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी, 50 m/s आंसर आ जाएगा। अब बताओ बच्चे आपको इसमें क्या मुश्किल, अगर कोई मुश्किल लग रही है तो अभी भी आप बता सकते हो, शाबाश, है कोई मुश्किल चीज बच्चे, नो सर, अब बच्चे बाकी चीजें अब हम कल करेंगे बच्चे, तब तक सर इसके ऊपर क्वेश्चंस भेज देना थोड़े अगर हैं तो, आपके पास एचसी वर्मा ले लिया मेरे बच्चे आपने कि नहीं लिया अभी, सर प्लस वन की नहीं है, प्लस टू की है, प्लस टू की नहीं है कि प्लस वन की, प्लस वन की नहीं है ना, अच्छा सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं भेज दूं अभी ग्रुप के अंदर, भेज दो सर, चलो मैं भेज देता हूँ, ठीक है बेटा, क्वेश्चन बच्चे मुझे ये थोड़ा सा टाइम दे दोगे आज शाम तक का बच्चे, मैं कर दूंगा बच्चे क्वेश्चन, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे टाइम दे दो बच्चे, मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, मुझे थोड़ा सा टाइम, 11 के भेज ही देना एचसी वर्मा की सॉफ्ट कॉपी, मैं वो भेज दूंगा, एक्चुअल में क्या है कि बच्चे अभी मैं आपके रेजिस्टेंस की डीपीपी बना रहा था बच्चे, मैं थोड़ा उसमें इन्वॉल्व था, वो भी जल्दी खत्म करो बच्चे, ताकि मैंने आपको बोला मुझे मोटिवेशन मिलती है, अरे यार ये बच्चे तो भाई साहब कर रहे हैं क्वेश्चन, इनको डीपीपी दो, उसको बच्चे फटाफट खत्म करो, फिर बच्चे हम नेक्स्ट डीपीपी करंट की भी बनाते हैं और इसकी भी देता हूँ। अच्छा कितने क्वेश्चंस दो बच्चे इसके पहले मुझे, जिसमें आप कर पाओ बच्चे कंफर्टेबली, या क्वेश्चन बैंक दे दूं इसका मैं आपको पूरा का पूरा, सर इसके थोड़ी सिलेक्टिव अच्छे क्वेश्चन दे देना ना सर, हाँ चलो मैं देख के बता दूंगा, ठीक है बच्चे चलो।